गोला चीका के गांव भागल के जवान राजेश पुनिया ने जब 3 साल पहले सेना की वर्दी पहनी थी तो पूरा गांव माँ बाप को बधाई देने आया था, लेकिन जब आज उसी वर्दी वाले जिस्म पर तिरंगा लपेटकर वापस घर लौटा तो पूरा गांव दिलासा देने के लिए जुट गया। कश्मीर में शहीद हुए राजेश पुनिया का गांव भागल में राजकीय सम्मानों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। मंत्री कृष्ण पवार ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी सहित 50 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया। राजेश पुनिया शहर राज राइफल में तैनात था। तो दुख तो मेरा अंदर बहुत है, मैं सहन नहीं कर पा रही। गरीब घर का लड़का है, जैसे तैसे घर का बहुत औखी परवरिश करी है, बड़ा औखा। वहाँ पर भेजा है सारा पता अपना, तो बाकी घर बार देख लियो, जे जरूरत हो तो मैं दूसरा बच्चा देने के लिए कुर्बानी तैयार। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नमन करता हूँ, जिन्होंने कारगिल का युद्ध करके उन महान शहीदों की पहचान कराई, क्योंकि कारगिल के युद्ध से पहले किसी भी शहीद की जो डेड बॉडी का संस्कार पैतृक स्थान पर नहीं किया जाता था, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने सम्मान देने का काम किया था और उस परिवार को 10 लाख रुपये परिवार की सहायता के लिए दिए गए थे और परिवार को रोजगार दिया गया था और गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप दिए गए थे। उसी की दृष्टि से आज हरियाणा प्रदेश की सरकार माननीय मनोहर लाल के नेतृत्व की सरकार पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है जिन्होंने उन महान शहीदों को सम्मान देते हुए अर्ध सैनिक थे उनको विश्व शहीदों में शामिल किया। हरियाणा पुलिस के काउंटर में कोई जवान मारा जाता उसको भी शामिल किया। तो ये जो बॉर्डर के ऊपर जो शहीद हो जाते हैं जिसमें राजेश पुनिया हुए हैं साथ, अभी उद्योगपति प्रसिद्ध समाज सेवी प्रीतिपाल जिंदल जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। प्रीतिपाल जी, आज भागल गांव में राजेश पुनिया जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, उसके बारे में थोड़ा वो बताएं। देखिए, मेरा इस गांव से मेरे पूर्वजों का मेरा नाता रहा, मेरी कर्मस्थली भी रही है यहाँ पे और मैं हर दुख सुख में यहाँ पे आता हूँ और ये एक बहुत नेशनल लेवल का हादसा इस बच्चे के साथ हुआ। हमारी सेनाओं में सेवा करते हुए ये शहीद हुआ है, ये हमारे लिए एक गर्व की बात भी है और दुख इस बात का कि भरी जवानी के अंदर ये बेचारा चला गया। तो मैं इस परिवार से मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए, उसकी अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए मैं दिल्ली से चल के आया, ये मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है और हमारी सेनाओं के प्रति मेरा सम्मान, इस बात के लिए सम्मान। और मौसम खराब था, मौसम खराब होने के कारण वहां से जवान का पैर फिसल गया और जवान नीचे लगभग 300-400 फीट नीचे गहराई में गिरने से और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, और LC के ऊपर जो भी इंसिडेंट होता है उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो हमारे राइफलमैन जो राजेश हैं वो एक शहीद हैं क्योंकि वो LC के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे सामने 300 मीटर ही पाकिस्तान है वहाँ से। सर, जब वो ड्यूटी पे थे, ऑन ड्यूटी थे वो? ऑन ड्यूटी, यस यस। हाँ सर। सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन क्या है? सर, मेरा नाम नायसुदार भूप सिंह, 6th राजरिफ। और कारगिल राजपूताना राइफल, 6th राजपूताना राइफल। अभी पोस्टिंग हमारी है कारगिल के पास काक्षर में। सर, राजेश पुनिया आज शहीद हुए हैं, ये बहुत हौसले वाले नौजवान थे। इनको लगभग 3 साल हो गए कि आर्मी में जब से भर्ती हुए हैं, जब आपके लिए बड़ी खुशी खुशी है, लेकिन आज शहीद हुए हैं। शहीद होते हुए बहुत दुख तो होता है, लेकिन हमें गर्व भी है कि हमारे लड़के का नाम ऊंचा किया है, नाम रोशन किया है, जिसने आर्मी में जाकर वहाँ शहीदी दी है। तो क्या सहायता की है आपकी सरकार? जो आर्मी का जो सिस्टम होता है, जो उनका बोर्ड बैठता है, उस माध्यम से जिस तरीके से जब भी शहीद घोषित करते हैं,